कई मुद्दों पर मैं सरकार से सहमत नहीं, लेकिन ये साफ कर दूं कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान या कोई और देश इसमें दखल नहीं दे सकता। जम्मू कश्मीर में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। देखिए, जो राहुल गांधी जी की नादानी थी या नादानी है, वो कांग्रेस की परेशानी बन रही है, और परेशानी और हैरानी दोनों है, और जिसका नतीजा है कि आप देखें कि बहुत ज़्यादा संख्या में कांग्रेस के लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर राष्ट्रीय महत्व के इस मुद्दे पर खुल करके सामने आए हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी जी की उन नीतियों की मुखालफत की है। आज जो है वो हमारे देश की राजनीति में, आंतरिक राजनीति में हम एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं, एक दूसरे की विरोध में जो है वो धरने, प्रदर्शन या पार्लियामेंट के बाहर करते हैं, लेकिन ये हमारे देश का दशकों पुराना संस्कार है, सियासी संस्कार, कि हम राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर एक स्वर में और एकजुट होकर बात करते हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं करते जिसका कि दुश्मन फ़ायदा उठाए, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय का मुद्दा रहा हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय का रहा हो, चाहे अटल जी के समय रहा हो, सभी एकजुट होकर के एक स्वर में बोले हैं। ये पहला ये नया संस्कार हमने कांग्रेस का देखा है कि इतने संवेदनशील और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसमें कि हमारा पड़ोसी जो है वो हर चीज़ को लपकने की कोशिश कर रहा हो, उसमें आप जो है वो बचकाना और गैर जिम्मेदाराना और नादानी भरा बयान करें और बयानबाजी करें।